हम देखने वाले हैं आईपीएल के बारे में। भैया आज पूरा बहुत आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या होगा क्या होगा क्या। तो अंत में पता तो चला कौन क्या होगा। बड़ी मुश्किल से घीचतान के दो टीम घीचतान के पहुंची है आईपीएल क्वालिफाई की है, एक हैदराबाद और एक आरसीबी। 2019 में जो हैदराबाद है वो शायद 12 पॉइंट से की थी और जो क्वालिफाई करने का जो पॉइंट्स था वो ये 14 था, ऐसा कर दिया है 16 इस बार, थोड़ा ज्यादा शायद पता नहीं क्यों हर साल थोड़ा चेंज करता है लेकिन होता यही है। अब प्ले ऑफ का मैच देख लेते हैं। तो देखिए क्वालिफायर वन जो कल हुआ था वो कल जो क्वालिफायर वन हुआ था वो था मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स और आज जो है वो है सनराइजर हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर एलिमिनेटर मैच। भैया कल कोहली को कल विराट कोहली का बर्थडे था और मैच आज उसका है। वाह वाह क्या कॉम्बिनेशन लगाया वाह। और देखना ये है कि कौन जो आज का मैच जीतेगा वो जाएगा क्वालिफायर टू में और वो वहाँ खेलेगा दिल्ली के खिलाफ और जो हारा आज का एलिमिनेटर मैच खुलेगा। जाओ ट्रेन का टिकट बुक करके जाओ घर कर इंडिया ये मुंबई से दुबई तक क्या ट्रेन सर्विस है नहीं है तो प्लेन बुक कर लो। और फाइनल में वो पहुंचेगा जो दिल्ली वर्सेस टीबीडी जो पता नहीं कौन होगा उसके खिलाफ होगा, देखना है कौन होगा। और देख लेते हैं नीचे का क्या स्कोर सब चल रहा है। तो आज शाम 9:30 इंडिया में होगा और 6:00 7:30 और अब बताइए आपको क्या लग रहा है। बड़ा अजीब सा पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये देखिए टेबल है अजब गजब सब टेबल बना रखा है और इस पूरे सीजन के कौन महाखिलाड़ी सब है देखते हैं। कप पे बैठा हुआ है गेल राहुल टॉप पे बैठे 600 रन से बाप रे। और भैया फिर डेविड वॉर्नर आया है जो मुझे लगता है इसको पार कर जाएंगे। फिर धवन स्टार किचन क्विंटन डिकॉक विराट कोहली वगैरह वगैरह जो भी है 5+ बड़ा गजब आईपीएल रहा है सर। ये अजीब सा रहा भैया हर साल क्वालिफाई होने वाले मेरे चेन्नई सुपर किंग हार गई। अब देखते ऑल टाइम्स के कौन कौन है कोहली गेम किस गेम लो हरभजन सिंह तो है ना लिस्ट में और बड़ा अजीब सा चीज रहा आज का, मतलब किसी को मालूम ही नहीं है क्या हो क्या रहा है। भैया आईपीएल का सेकंड मतलब आईपीएल का लास्ट सैटरडे डबल हेडर जो वाला जो मैच था जनरली उसके पहले तक पता चल जाता है कि कौन खेलेगा। ये तो गजब है इसको मालूम ही नहीं कि कहाँ हो रहा है कहाँ हो रहा है किसी को फर्क नहीं है। मुंबई क्वालिफाई हो चुकी थी दिल्ली को हरा दिया वरना दिल्ली क्वालिफाई हो जाती। आरसीबी हैदराबाद आरसीबी को हरा दिया वरना हैदराबाद वरना ये आरसीबी क्वालिफाई हो जाती। चलो वो आरसीबी घीचतान के पहुंच तो गया रन रेट के वजह से कभी हुआ। आज जो जीता मुंबई वो बैठा रहेगा तो प्रैक्टिस करेगा 10 नवंबर तक और जो हारा है दिल्ली मतलब दिल्ली वो जाएगा अबू धाबी। और भैया अजब गजब सा साल रहा है मतलब आदमी को विश्वास सच्ची में नहीं हो रहा हो क्या रहा है। हर हमें धोनी मतलब आदमी को विश्वास देखते हैं। और अभी पहली बार वुमेन्स T20 चैलेंज में भी कोई टाइटल स्पॉन्सर मिला यार फर्क तो पड़ने वाला नहीं। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही बहुत ज्यादा बड़ा नाम है बहुत ज्यादा कुछ छोटा छोटा नाम नहीं रख सकते इतना बड़ा नाम रखे हो ऐसा लग रहा है ना कि बुर्ज खलीफा से
भी बड़ा नाम है ये। अब देखना ये कि किसकी होगी ट्रॉफी। ट्रॉफी ट्रॉफी मैंने यहाँ रखा था। ट्रॉफी ट्रॉफी देखना ये है क्या होगा इस बार के आईपीएल में। चलो एम एस धोनी रिटायर नहीं हूँ लेकिन शेन वॉटसन रिटायर हो गए सर। ओहो दुखी। और आरसीबी के फैंस तो सोच रहे थे काश आईपीएल कैंसिल हो जाता। काश आईपीएल भैया आईपीएल कैंसिल हो जाता तो तुम लोग अपना पिटाई करते क्या। चेन्नई को पीट दिया। हाँ फिर चेन्नई ने उसको भी पीट दिया। आरसीबी ये बोल रहे थे तो नहीं प्लीज कैंसिल कर देना आरसीबी हमेशा नहीं। अब चेन्नई वाला ना बोलने लग जाए कि प्लीज आईपीएल कैंसिल कर देना कहीं ऐसा ना हो कि चेन्नई वापस ना आ जाए। और अच्छा आप अच्छा आप लोगों से कुछ सवाल था कि जो कप होता है आईपीएल कितना क्या कितना में कितना भारी पड़ता होगा। कितना भारी होता होगा करीब मुझे जहाँ तक लगता है 1000 किलो तो हो गई। मैं क्यों बोल रहा हूँ भैया पूरा टीम लग जाता उसको उठाने में तो 1000 किलो तो हो गए ना। और मतलब स्टार्टिंग जो जीता वो मैच जो स्टार्टिंग से जो जीता मैच वो क्वालिफाई यार अजब गजब साल रहा है। मतलब पहले कोरोना टपक गया कोरोना के ऊपर से तूफान आ गया उधर से ये साइक्लोन आ गया बारिश हो रहा है बाढ़ आ रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है सड़क पे जानवर घूम रहा है वो घूम रहा है ये घूम रहा है क्या हो क्या रहा है। और फिर चेन्नई हारने लग गया। वाह हो क्या रहा है ये भैया सच्ची में इस साल अजीब सा साल निकला है। अब कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि दिवाली के दिन दिया की दिया को जलाने के लिए सैनिटाइजर लगे। इतना सैनिटाइजर का बिक्री हो रहा है आजकल। पहले लोग क्या सोचता था पहले लोग क्या करता था सैनिटाइजर लाता था और वो लोगों को जनरली सैनिटाइजर मालूम ही नहीं था वो तो अपना ये नॉर्मल पानी से धो के चला गया। अभी तो ऐसे सैनिटाइजर घस रहा है ना हर दो सेकंड पे घस रहा है। भैया ऐसा नहीं है कि घसो मतलब लगाओ सैनिटाइजर लेकिन हर 20 सेकंड में। अब ऐसा थोड़ी ना कि 12 सेकंड। अब इस साल ये लग रहा है कि मिठाई देने की जगह सैनिटाइजर दे देगा आदमी दिवाली गिफ्ट में। अब आगे का कॉमेडी में बचा के रखूंगा याद रखिएगा। आगे का कॉमेडी दिवाली के लिए बचा के रख रहे हैं दिवाली का। बाय बाय बस अगले साल जीत जाए चेन्नई यही कहना है।